अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस आज हम कहाँ आए हैं ये बताने से पहले मैं आप सब लोगों से ये शेयर कर दूं कि माशाल्लाह हमें इस साल हज का परमिट मिल गया है और इंशाल्लाह हम हज अदा करेंगे, अल्लाह ताला हमारा हज कबूल फरमाए। तो बस उसी सिलसिले में आज हम आए थे कुबा मार्केट अबाया शॉपिंग के लिए। मुझे हज के लिए कुछ लाइट वेट से समरी अबायास चाहिए थे, तो उसी की शॉपिंग के लिए अभी हम आए थे। कुबा मार्केट जो है बेसिकली ये वो वॉकवे है जो मस्जिद नबवी से स्टार्ट होकर मस्जिद कुबा तक जाता है। इसके पीछे एक प्रॉपर हिस्ट्री है जो इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। बस अभी हम यहाँ पहुँचे तो नमाज़ का टाइम हो गया, हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए हैं और मैं बच्चों के साथ बस टाइम पूरा कर रही हूँ। कुबा मार्केट जो है ये गोल्ड मार्केट भी है और अबायास की भी काफ़ी बड़ी मार्केट है। लास्ट टाइम हम आए थे ऐसे ही वॉक के लिए यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे अबायास मुझे नज़र आए थे और प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल थी। उस वक्त मुझे चाहिए नहीं थे तो मैंने बाय नहीं किए, आज मुझे ज़रूरत है तो मैंने कहा चलें दोबारा चक्कर लगाते हैं और देखते हैं अबायास मिलते हैं या नहीं। और कुबा मार्केट को अब इन्होंने काफ़ी अच्छा सेट किया हुआ है, काफ़ी इस वॉकवे को काफ़ी प्यारा बना दिया है इन्होंने। यहाँ से और क्या मिलता है? जूस शॉप मिलता है और कम पाप में मिलता है और साथ। आपको भी क्या चाहिए, आप क्या लेने आए थे? जूस। जूस चाहिए? ओके, बाबा भी आते हैं ना, बाबा नमाज पढ़ के भी आपको लेके देते हैं। ओके ओके, तो चलें जी शॉप्स हो गई हैं ओपन, अब शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं शॉपिंग के मामले में बिल्कुल भी फंसी या चूज़ी नहीं हूँ। मैं अगर फर्स्ट शॉप पे जाऊँ वहीं मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मुझे चाहिए हो तो फिर मैं आगे नहीं जाती, वहीं से बाय करके वापस आ जाती हूँ। और बच्चों के साथ तो वैसे भी फटाफट शॉपिंग करनी पड़ती है कि वो इरीटेट करना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी वैसे भी हस्बैंड का टॉलरेंस लेवल भी जो हाथ चीज जाता है। ये वाया जो था ये बहुत प्लेन था बिल्कुल, लेकिन इसका स्टफ इतना लाइट वेट था, इतना कंफर्टेबल था कि मुझे ये अच्छा लग रहा था। सिर्फ इसका कलर काफ़ी लाइट था और जो लाइट कलर्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा भी दाग लग जाए या कुछ हो जाए तो फिर अच्छे नहीं लगते पहने हुए। उसी में फिर ये एक दूसरा कलर था ऑलिव ग्रीन सा, ये मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि डार्क कलर्स जो होते हैं वो फिर थोड़े बहुत गंदे भी हों तो इतना फील नहीं होता, और हज के लिए मुझे लग रहा था कि ये सही रहेगा क्योंकि उसमें ट्रैवल आपको काफ़ी करना होता है। सेकेंड फिर मुझे ये अबाया अच्छा लग रहा था, इसका स्टफ भी लाइट था लेकिन उतना लाइट नहीं था इतना ग्रीन वाले का था, लेकिन अच्छा था और कलर भी मुझे अच्छा लग रहा था इसका। अच्छा लग रहा है एक तो शॉप्स और फिरने के बाद फिर इस शॉप पे मुझे ये बाया बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कलर बहुत प्यारा था लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था उनके पास। उसी में फिर ये वाइट अबाया था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैं पर्सनली वाइट की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ वाइट अबायाज़ की, लेकिन हस्बैंड भी कह रहे थे कि हज के लिए तो वाइट अबाया ज़रूर होना चाहिए, वाइट लें अच्छा लगेगा और वाइट अबायाज़ जो हैं वो आजकल इन भी बहुत हैं, तो फिर मैंने ये उनकी ख्वाहिश पर बाय कर लिया। तो बस से बाया शॉपिंग हो गई पूरी, अब यहाँ पे मुझे एक छोटा सा ये स्टॉल नज़र आ रहा था यहाँ पे जायमाज बहुत प्यारे थे, तो बस मैं वही देखने आई हूँ। चलें जी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट, अब घर चलती हूँ, घर जाके आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ और बायास भी ट्राई करके दिखाती हूँ कैसे लगते हैं पहने हुए। तो पहले मैं आप लोगों को जायनमास दिखाती हूँ जो मैंने बाय किए हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन मैं इनको एज़ अ जायनमास यूज़ नहीं करूँगी, मैं इनको एज एन आर्ट यूज़ करूँगी इसको वॉल पर हैंग करने के लिए। तो जब मैं हैंग करूँगी तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि मैं इसे कैसे यूज़ किया है। तो ये जो पहले वाला है इस पर मकाम इब्राहिम बना हुआ है और जो सेकेंड वाला है उस पर बाबे काबा है, दोनों ही बहुत बहुत प्यारे हैं। तो चलिए अब करते हैं बायास ट्राई, मैं आपको दिखाती हूँ पहन के कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रीन ट्राई करती हूँ जो मैंने सबसे पहले बाय किया था, बिल्कुल प्लेन है लेकिन बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है और इसके साथ ब्लैक स्कार्फ है और ये मुझे मिला है 50 रियाल का, सिर्फ 50 रियाल का। और इसके बाजुओं की लेंथ इन सब बायास में ये है कि बहुत अच्छी है। सेकेंड ये ब्लू अबाया है, ये मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया था, ये भी अच्छा लग रहा है पहना हुआ,
लेकिन इसका ये कि स्टफ़ थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर टू अबायास थोड़ा सा मोटा है। इसके हाथ वाइट स्कार्फ है और लेकिन इसके बाजू की लेंथ इसकी भी बहुत अच्छी है। और जो इसकी प्राइस थी ये ओरिजिनली वो मुझे 100 की बता रहे थे और लेकिन उन्होंने दिया मुझे ये 80 में है। फिर ये वाइट अबाया है, इसका स्टफ भी बहुत अच्छा है और ये पहना हुआ अच्छा लग रहा है। इसकी प्राइस भी जो है वो 80 रियाल है। ये वाइट अबाया और जो ब्लू अबाया है ये दोनों गाउन स्टाइल में है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, कि इन पर बटन्स नहीं हैं तो बटन्स मुझे इन पर अटैच करने पड़ेंगे क्योंकि सऊदी वुमेंस तो कैरी कर लेती हैं, मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऐसे कैरी करना। तो बस यही थी आज की सारी शॉपिंग, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। तो आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।